नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों, क्रिया से संबंधित UP SSC में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये हिंदी का, और आपको इससे अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्रिया से। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहले प्रश्न से। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्रिया होती क्या है। तो दोस्तों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्रिया की, तो यहाँ पर हमारा क्रिया हो जाएगा देख रहा है। तो सी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो क्रिया होते हैं इनके रूप लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। दोस्तों, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, कर्म के आधार पर। तो दोस्तों, अकर्मक क्रिया क्या होती है। दोस्तों, जिन वाक्यों में जो क्रिया होती है वो कर्म पर निर्भर नहीं होती है, वो क्रिया हमारी अकर्मक होती है, और जो क्रियाएं कर्म पर निर्भर करती हैं उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पहचान दोस्तों क्या होती है। अगर आपको क्या करने पर उत्तर मिलता है, ठीक है, तो वहां पर तो दोस्तों हमारी होती है सकर्मक क्रिया, और यदि क्या करने पर हमको उत्तर नहीं मिलता तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे दीना निबंध लिखता है तो क्या लिखता है, तो दोस्तों हमको उत्तर मिलता है निबंध, तो यानी कि हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सुरेश सामान उठाता है, दोस्तों क्या उठाता है, सामान, तो यानी कि क्या प्रश्न करने पर हमको उत्तर मिल रहा है। रोहित बलराम को खिला रहा है, अब कहोगे सर क्या कर रहा है, खिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको उत्तर मिल रहा है क्या करने से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो को से पहले जो हमारा शब्द लगा है वो कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमको कर्म मिल रहा है। अब हमको इसमें से बताना किसमें कि किसमें अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों, पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं ये उत्तर नहीं होगा, कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर प्रश्न करने पर हमको उत्तर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक तरीका है क्रिया को ढूंढने का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं। भाववाचक संज्ञाएं, निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। विशेषण की बात करें तो शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वनाम की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। अकर्मक क्रियाओं की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लजाना, मरना, सोना, पढ़ना, तो दोस्तों इसमें से पढ़ना जो है वो अकर्मक नहीं है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, पढ़ना हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, सकर्मक। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्या करके प्रश्न करेंगे तो क्या पढ़ रहा, यानी कि पुस्तक भी हो सकती है, वो रामायण भी हो सकती है, वो गीता भी हो सकती है, वो कुरान भी हो सकती है, कुछ भी पढ़ सकते हैं ना। लेकिन क्या करने पर सोना उत्तर नहीं मिलेगा, मरना उत्तर नहीं मिलेगा, लजाना उत्तर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर डी वाला जो फोर्थ वाला जो है दोस्तों वो गलत हो जाएगा, बाकी के तीन क्या है सही है। तो हमको इसमें से सही ऑप्शन बताना है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये होती क्या है दोस्तों, जब कोई कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी कार्य में लग जाता है तब उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि घर पहुंचकर बच्चों ने खाना खाया, ठीक है, घर पहुंचकर, यानी कि एक क्रिया खत्म हुई पहुंचकर, ठीक है, पहुंचकर बच्चों ने खाना खाया, दोस्तों पहुंचकर यहां पर हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, हमने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर यहां पर हमारा कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया है। दोस्तों इसकी पहचान ही होती कर शब्द लगा होगा इसमें। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो दोस्तों इसमें जो वृत्ति होगी वो होगी सामर्थ्य सूचक। ठीक है, कौन सी वृत्ति है दोस्तों? इसमें सामर्थ्य सूचक वृत्ति है। ठीक है दोस्तों, ये जो होते हैं ये रचना के आधार पर वृत्तियां होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, दीपा ने गाय को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि एक कर्म तो हमारा गाय हो गया। ठीक है, क्या खिलाया? चारा। क्या करने पर हमको उत्तर मिल रहा है? तो यानी कि यहाँ पर हमारे दो कर्म हो गए, एक तो गाय और दूसरा चारा। तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा जो वृत्ति है, ठीक है, वो हो जाएगी अभ्यास बोधक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दीपा ने लगातार पढ़ाई करी तो यानी कि उसने अभ्यास ही तो किया, इसलिए तो कक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ पर अभ्यास द्योतक पक्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकेतार्थ। ठीक है, क्यों होगा दोस्तों? यदि सारा सामान मिल गया, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक संकेतार्थ प्रस्तुत कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संकेतार्थ वृत्ति हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। तो दोस्तों अब सीता चलने लगी है, ये हो जाएगा हमारा आरंभ बोधक। क्या हो जाएगा? आरंभ बोधक। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया में दोस्तों आरंभता का बोध हो वहां पर आरंभ बोधक क्रिया कहलाती है, या आरंभ बोधक पक्ष कहते हैं दोस्तों। ये रचना के आधार पर क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। तो जरा मेरी सहायता कीजिए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विध्यर्थ। विध्यर्थ का मतलब होता है विधि संबंधी, या ये कह लें कि क्रिया करने का भाव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सहायता कीजिए जो है वो किसका भाव बता रहा है? क्रिया करने का भाव बता रहा है, इच्छा बोधक है, इसलिए यहाँ पर हमारा विध्यर्थ जो होगा पक्ष होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमको शब्द मिल रहा है पीकर, और पीकर खाकर, ठीक है, बैठकर, ये सारे शब्द जो होते हैं हमारे पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने पीछे पढ़ा रखा है, क्रिया जो चैप्टर है उसमें सारे के सारे डिटेल में बता रखा है। ठीक, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें दिलाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहां पे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दिलाना, ठीक है, उठाना, झुलाना, ये सारे के सारे जो हमारे शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएंगे। अगला है पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों पढ़ रहा था इसमें संयुक्त क्रिया है, जहाँ पर कोई क्रिया किसी दूसरे क्रिया के संयोग से निर्मित होती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वह खाने लगा, खाने लगा, ठीक है, तो दो क्रिया है यहाँ पर, खाने लगा, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों पढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी हमारी क्या हो जाएंगी? दो संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है दोस्तों? वह शाम को घर जाएगा तो यहाँ पर आपका निश्चयार्थ है, ठीक है, क्योंकि शाम को घर जाएगा, ये निश्चितता का बोध होता है। जहाँ पर वहाँ पर निश्चयार्थ या निश्चितार्थ क्रिया क्या होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? तो दोस्तों वह भोजन बनाता है, यहाँ पर हो जाएगा आवर्ती मूलक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्रिया का जो फल है वो कर्ता को छोड़कर किस कर्ता पर ना पड़ के किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धातु में प्रत्यय लगाने से क्रिया शब्द बनते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों राम सो रहा है, इसमें हमारी अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं है। ठीक है, क्या करने पर उत्तर नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों कौन सी हो जाएगी इसमें? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी गिराना, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ये हम बता चुके हैं पीछे। ठीक है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए। सकर्मक क्रिया दोस्तों हमको इसमें बतानी है, तो वो हो जाएगी लिखना। क्या लिख सकता है दोस्तों? पत्र लिख सकता है, ठीक है, और क्या लिख सकता है? एप्लीकेशन लिख सकता है किसी को, ठीक है, मैसेज लिख सकता है किसी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियार्थक संज्ञा शब्द सदा किस रूप में रहती है? दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? नाम बोधक, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अवकाश बोधक, नित्यता बोधक और निश्चय बोधक, ये संयुक्त क्रिया के भेद हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों ये पीछे बता चुके हैं, किस प्रकार की क्रिया होंगी ये? नाम धातु क्रिया। ठीक है, संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया को दोस्तों नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथ से बन गया हथियाना, ठीक है, बात से बन जाता है बतियाना, चिकना से बन जाएगा चिकनाना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों पढ़कर, बताया था कर शब्द जहां भी लगेगा वहां पर हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों कौन सी है, इसमें हमको बताना है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी जगाना। ठीक है, अगला प्रश्न है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें जो क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी सकर्मक। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों? सकर्मक। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। ठीक है, कैसी क्रिया हो जाएगी? हंसी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? दोस्तों जो दूसरे से करवाया जाता है, बताया था, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें ये जो क्रिया है ये योजक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो योजक दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उसे संबंध बोधक या योजक क्रिया कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु में क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है साधित सकर्मक धातु क्रिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों इसमें
ऑप्शन ए ही पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अकर्मक। क्या पिसवाता हूँ गेहूँ, क्या लिखता है निबंध, ठीक है, कोचिन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कर्म है हमारा, तो यानी कि सब तो कर्म वाले हैं, ये हमारा अकर्मक है, पानी बरस रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों हथियाना में हमारी क्रिया हो जाएगी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।